हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है, देखिए हमारी यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थी। इसके हम लोग लेक्चर नंबर फिफ्थ पे पहुंचे हैं। तो आज के फिफ्थ लेक्चर पर जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है आपका सेलेक्शन रूल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराने हैं तो यहाँ कौन कौन से सेलेक्शन रूल को, जनरली तीन सेलेक्शन रूल को आप फॉलो करते हैं, वही तीन सेलेक्शन रूल को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, अब देखिए आपको मैं एक और चीज यहाँ पे बता दूं। देखो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़ लिए, फोर लेक्चर्स पढ़ लिए, वहां हमने जो चीज पढ़ी है ना वही चीज आपको आगे को कंटिन्यू करनी है। ऑर्गल डायग्राम पे भी तो हमने सेलेक्शन रूल्स पढ़े थे, वही सेलेक्शन रूल आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो चलिए, ओके, तो देखो सबसे पहले आप समझो सेलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब समझ में आ रहा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को पर्टिकुलरली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की रिस्पेक्ट में बोलूं तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को डीडी ट्रांजिशन भी बोल सकती हूं। अब समझ में आया डीडी ट्रांजिशन क्या हुआ? पहले जस्ट नहीं समझ में आया तो मैं आपको जस्ट ट्रांजिशन एक्सप्लेन कर देती हूँ ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखते हैं आपने क्या किया था, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफटी ने क्या बताई थी, स्प्लिटिंग बताई थी। ये क्या करता था, डी सेट को दो, डी लेवल को आपको दो सेट में तोड़ के देता था। ओके, एक जो नीचे वाला सेट होता था, क्योंकि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है तो ये आपको बताता था जो नीचे वाला सेट है ये आपका क्या है, इसे आप ग्राउंड स्टेट बोलिएगा, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम होती है। और यहाँ जो ऊपर वाला सेट है इसे आप बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब आपकी ग्राउंड स्टेट में भी, एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आपने अगर अपने ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसे एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंस क्या, एनर्जी का ही तो डिफरेंस है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी की वैल्यूज कम रहती है और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी की वैल्यू ज्यादा रहती है। अब आपने अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, जहां पर आपको एनर्जी की वैल्यू कम मिली है, इससे एक्साइटेड स्टेट में भेजना जहां पर एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे। एनर्जी किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। तो आप बाहर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने सैंपल मॉलिक्यूल में डालेंगे, सैंपल मॉलिक्यूल्स में आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ इस यूनिट के अंदर हम सारी चीजें किससे रिगार्डेड कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स रिगार्डेड। ओके, तो हमने क्या करना है, अपने सैंपल मॉलिक्यूल पे अपना क्या डालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो पहले कम एनर्जी का था और ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था, अब उसको एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने की वजह से। इसकी एनर्जी अगर ये बढ़ गई तो अब ये ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये यहां से उड़ के कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यही फिनोमिना जहां पर आप अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अपर एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करते हैं, तो ऐसे फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ओके, और अगर आप ट्रांजिशन स्पेसिफिकली किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर आपका एक मेटल हो और एक लिगेंड हो, और मेटल आपका क्या होगा, स्पेसिफिकली ट्रांजिशन मेटल होगा, और ट्रांजिशन मेटल जब किसी लिगेंड से अप्रोच करता है, किसी बेस से अप्रोच करता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये ट्रांजिशन आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इस ट्रांजिशन को आप क्या टर्म देते हैं, डीडी ट्रांजिशन। ओके, तो आज के लेक्चर पे हमने क्या पढ़ना है कि अगर हम किसी भी, हमको कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दे दिया और हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि चलो बताइए इस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आपने ट्रांजिशन तो कराया, बट ट्रांजिशन भी आपके दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिशन एक होता है अलाउड ट्रांजिशन, एक होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, अब ये दो ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको वो समझा दूं। देखो मैंने ये सारी चीजें थ्योरी मटेरियल के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ये मैं आपको नोट्स के साथ शेयर करती हूँ, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मुझे आपको चीजों को एक्सप्लेन करने दीजिए। ओके, तो अब देखो मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन आपके दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज अलाउड ट्रांजिशन, सेकंड वन इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, अब नाम से पता चल रहा अलाउड ट्रांजिशन मतलब ऐसा ट्रांजिशन जो कि, देखो ना फॉरबिडन और अलाउड ट्रांजिशन मतलब ये नहीं कि आपका ऐसा, देखो ना, देखिए एक मैंने बोला अलाउड ट्रांजिशन, एक हो गया आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब अलाउड और फॉरबिडन सुन के ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांजिशन मतलब अलाउड ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता यह है कि अलाउड भी एग्जिस्ट करते हैं, फॉरबिडन भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि दोनों तो ट्रांजिशन है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट आपको पता है हमारे ट्रांजिशन की वजह से, जैसे हमने ऑर्गल डायग्राम देखा था अभी इससे पहले लेक्चर पे, जब मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है जब ट्रांजिशन होता है, उसी ट्रांजिशन की वजह से आपको जब स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना होता है किसके बीच में, इंटेंसिटी वर्सेज वेवलेंथ के बीच में, या फिर आप वेव नंबर के रिस्पेक्ट पे भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर को ट्रांजिशन की वजह से आपको पीक देखने को मिलती है। अगर एक ट्रांजिशन हुआ तो एक पीक मिलेगी, दो
ट्रांजिशन हुआ तो दो पीक मिलेगी, तीन ट्रांजिशन हुआ तो तीन पीक मिलेगी। तो ये जो पीक्स हमको देखने को मिलती है हमारे स्पेक्ट्रम है वो किसके वजह से मिलती है, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन। तो अलाउड और फॉरबिडन दोनों तो आपकी ट्रांजिशन है, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अलाउड के लिए जो अलाउड ट्रांजिशन होने के बाद जो आपको पीक देखने को मिलेगी स्पेक्ट्रम है वो एक टाइप की शार्प पीक देखने को मिलेगी, ओके। लेकिन फॉरबिडन ट्रांजिशन के लिए जो आप पीक देखेंगे वो आपको क्या होगी, बहुत ही लेस इंटेंस पीक आपको देखने को मिलेगी। ऐसी नहीं कि पीक ही नहीं आएगी, पीक आएगी, बट वो पीक क्या होगी, बहुत बेकार पीक होगी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उसमें कोई इंटेंसिटी वगैरह मतलब वो इंटेंस होगी नहीं, समझ में आया। तो अलाउड ट्रांजिशन के लिए पीक्स आपको ऐसे शार्प पीक देखने को मिलती है। फॉरबिडन भी तो आपका ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन तो वहां भी हुआ, बट वो ट्रांजिशन क्या हुआ, फॉरबिडन हुआ। तो उस ट्रांजिशन के लिए क्या, जो हमें पीक देखने को भी मिलेगी वो आपकी स्ट्रॉन्ग पीक, इंटेंस पीक नहीं होगी, वो बिल्कुल डिम पीक रहेगी। इतनी चीज समझ में आई। तो ये डिफरेंस होता है अलाउड और फॉरबिडन में। अब ये पता चलेगा कैसे कि हमने जो ट्रांजिशन करा है वो हमारा अलाउड है या फिर फॉरबिडन, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ तो हम तो उसे ट्रांजिशन बोलेंगे। अब हम कैसे डिसाइड करें कि वो ट्रांजिशन हमारा अलाउड है या फिर फॉरबिडन है, ओके। तो इनको ही डिसाइड करने के लिए कि हमारा ट्रांजिशन अलाउड रहने वाला है या फॉरबिडन चल रहा है, ये हमको कौन डिसाइड कराता है, सिलेक्शन रूल। तो अलाउड और फॉरबिडन, अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अलाउड ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन होते हैं जो सिलेक्शन रूल, जो हम तीन सिलेक्शन रूल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तीनों सिलेक्शन रूल को फॉलो करें। तो अगर आपके किसी भी ट्रांजिशन ने ये तीन सिलेक्शन रूल को फॉलो कर दिया, इट मीन्स आपका जो ट्रांजिशन है वो आपका अलाउड ट्रांजिशन है। और अलाउड ट्रांजिशन की वजह से आपको पता है जो पीक्स मिलेगी, अगर एक ट्रांजिशन हुआ तो एक पीक मिलेगी, और वो जो पीक होगी वो आपकी एक शार्प पीक होगी। इतनी चीज क्लियर है। अगला, अगर आपने ट्रांजिशन तो कराया बट वो ट्रांजिशन क्या है आपका, मतलब ट्रांजिशन तो होगा बट वो ट्रांजिशन आपके सिलेक्शन रूल जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उनको फॉलो नहीं करेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको पीक तो मिलेगी, ट्रांजिशन है तो ऑब्वियसली बात है पीक है, बट पीक वहां पर क्या होगी, बिल्कुल डिम पीक आएगी, बिल्कुल इंटेंस पीक नहीं रहेगी, समझ में आए, स्ट्रॉन्ग पीक नहीं रहेगी, इंटेंस पीक नहीं रहेगी। तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं कि फॉरबिडन और अलाउड ट्रांजिशन के लिए जो आपको पीक्स मिलती है किसके करस्पॉन्डिंग मिलती है वो भी आप लिखिएगा। ये रहती है आपकी इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, ये हमने डिस्कस किया था, वेवलेंथ या फिर आप सॉरी ये वेव नंबर या फिर आप वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अलाउड के लिए कैसी पीक मिलती है और फॉरबिडन के लिए कैसी पीक मिलती है ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया ट्रांजिशन क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, ये चीज समझनी जरूरी थी, समझा दिया। उसके बाद ट्रांजिशन आपका दो टाइप का होता है, अलाउड और फॉरबिडन, दोनों तो ट्रांजिशन है बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों ट्रांजिशन की वजह से जो पीक्स मिलेगी वो अलग अलग होगी, अलाउड के लिए शार्प और फॉरबिडन के लिए वो बिल्कुल डिम पीक, ओके ये समझे। उसके बाद अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने बस यहाँ पर सिलेक्शन रूल हमने यूज करने हैं, हर जगह आप सिलेक्शन रूल यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हर जगह सबके लिए क्या होता है, सिलेक्शन रूल्स होते हैं। तो वही सिलेक्शन रूल को हमने यहाँ डिस्कस करना है, जो कि तीन सिलेक्शन रूल है, कौन कौन से रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, सिमेट्री सिलेक्शन रूल और लेपर्ड सिलेक्शन रूल, ओके। आप क्या करते हैं, सिमेट्री सिलेक्शन रूल, चलो वो हम आगे को डिस्कस करेंगे, पहले आप जिस इतना समझे तीन सिलेक्शन रूल होते हैं, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो एक बार थ्योरी भी कवर करते हुए चलें, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये बोल रहा है, एज वी नो दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट विद अ करेक्ट वेवलेंथ और अ फ्रीक्वेंसी बाय अ सैंपल मॉलिक्यूल, सैंपल मॉलिक्यूल मींस ट्रांजिशन मेटल, विल बी एब्जॉर्ब द ट्रांजिशन। तो देखिए यहां से लिखा हुआ है, ये बोल रहा है, एज वी नो दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट विद अ करेक्ट वेवलेंथ बाय अ सैंपल मॉलिक्यूल, सैंपल मॉलिक्यूल्स मींस आपका ट्रांजिशन मेटल, यानी कि जब आपका ट्रांजिशन मेटल क्या है, एक बिल्कुल करेक्ट फ्रिक्वेंसी की, करेक्ट वेवलेंथ की क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, तो हमको क्या देखने को मिलता है, वी विल एब्जॉर्ब द ट्रांजिशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल टू एक्साइटेड लेवल, सिंपल सी बात है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस करवा दिया, ओके। अब ये बोल रहा है, बाय डेफिनेशन अगर हम ट्रांजिशन को डिस्कस करें, तो वी कैन से दैट द ट्रांजिशन इज अ प्रोसेस वेयर द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड एनर्जी लेवल टू अ एक्साइटेड लेवल, यानी कि ट्रांजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड लेवल से आपके एक्साइटेड लेवल पे शिफ्ट होता है। और क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड लेवल पे एनर्जी की वैल्यू कम है, एक्साइटेड लेवल पे एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आपने बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया है, तो आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो उसे वो लो एनर्जी लेवल पे वो बैठना ही नहीं चाहेगा, उसको तो फिर हायर एनर्जी लेवल चाहिए।
तो वो शिफ्ट होके ग्राउंड लेवल से अपर एक्साइटेड लेवल पर शिफ्ट हो जाता है, और इसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। इतनी चीज समझ में, ये हो गया ट्रांजिशन। ओके, अब ये बोल रहा है बट द ट्रांजिशन आर ऑफ टू टाइप, बट लेकिन ट्रांजिशन जो है वो अगेन आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, अब अलाउड क्या होता है, फॉरबिडन क्या होता है, तो वही चीज लिखिए कि अलाउड ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि वो अकर करेगा, मतलब अकर दोनों करते हैं बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आपका ये पक्का पक्का अकर करेगा। और ऐसे ट्रांजिशन आप बोल सकते हैं जो आपके सिलेक्शन रूल को फॉलो करे और जिनके लिए जो आप स्पेक्ट्रा देखेंगे वो एक शार्प स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसी के कॉन्ट्रास्ट में आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होता है, ऐसा ट्रांजिशन जिनकी जो क्या सिलेक्शन रूल को फॉलो ना करे, और क्या उनका वो अकर तो करेगा, ऐसा नहीं है कि अकर ही नहीं करेगा, ट्रांजिशन है तो पीक आपको देगा बट वो पीक आपकी क्या होगी, बहुत इंटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग पीक नहीं देखी जाएगी। ओके, और वो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेंगी। अब वो सिलेक्शन रूल कौन कौन से हैं, आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है कि अब वो सिलेक्शन रूल कौन कौन से जो आपको ये डिसाइड करवाता है कि आपका ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन। तो ये तीन सिलेक्शन रूल हमने पढ़ने हैं, फर्स्ट वन इज स्पिन सिलेक्शन रूल, सेकंड वन इज सिमेट्री सिलेक्शन रूल, और थर्ड वन इज लेफ्टवर्ड सिलेक्शन रूल। ओके, अब ये तीनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें चलिए फिर। ओके, तो देखो फर्स्ट वन इज स्पिन सिलेक्शन रूल। ओके, तो स्पिन सिलेक्शन रूल हमने ऑर्गल डायग्राम पे भी डिस्कस किया था, काफी बढ़िया सिलेक्शन रूल है। तो देखो स्पिन सिलेक्शन रूल बहुत इजी है, क्या करना है आपने, ठीक है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल मतलब ये एक टाइप का मल्टीप्लिसिटी रूल भी होता है। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, देखिए मल्टीप्लिसिटी हम लास्ट से लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा क्या रहता है, एन प्लस वन। अब यहाँ पर एन क्या होता है, एन मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग कैसे चेक करेंगे कि आपका ट्रांजिशन अलाउड है या फिर फॉरबिडन है, तो आपको स्पिन सिलेक्शन रूल का यूज करना है। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू अ स्पिन सिलेक्शन रूल दोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, या फिर आप बोल सकते हैं दोज डीडी ट्रांजिशन इन अ कॉम्प्लेक्स विच डज नॉट इन्वॉल्व द चेंज इन एन स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू आर नोन एज अ अलाउड ट्रांजिशन। मतलब आपका अगर ऐसा ट्रांजिशन हुआ, ग्राउंड स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन क्या है एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हुआ, और शिफ्टिंग के टाइम पर आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि आपका जो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, यानी कि आपकी जो डेल्टा एस की वैल्यू है, चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, वो बिल्कुल भी जीरो के इक्वल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस रूल के अकॉर्डिंग आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो ना, सिंपली ये बोलता है कि अगर मैं आपको सिंपल पहले ऐसे टर्म्स पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये ऐसा बोलता है कि अगर आपने कोई ट्रांजिशन कराया, ठीक है, और आपने ट्रांजिशन के बाद देखा कि जब आपने तो देखो इस रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है According to a spin selection rule, those electronic transition in which a complex which does not involve the change in a spin multiplicity value are called as a spin allowed transition. यानी कि आपको allowed transition कब मिलेगा? जब आप ये check करेंगे कि आपने transition कराया और transition से पहले, यानी कि before transition and after transition, आपकी जो multiplicity की value है उसमें कोई भी change नहीं आया। मतलब देखो आपके पास एक, मैं आपको एक examples के थ्रू यहाँ पर को कराऊंगी कि आपने पहले example लिया होगा और example पे आप क्या अपने electron को फिल करेंगे और फिर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल के ट्रांजिशन दिखाएंगे। तो बिफोर ट्रांजिशन जब आपने कोई भी यहाँ पर को किया, मतलब बिफोर ट्रांजिशन मतलब आपने कोई भी रेडिएशन नहीं डाली और ट्रांजिशन नहीं हुआ है, उस टाइम पे जो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी, आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू n प्लस 1 के फॉर्मूले से। ओके, और आफ्टर ट्रांजिशन जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी, अगर उनमें कोई भी चेंज नहीं आया, चेंज किसके लिए बोल रहा है, चेंज मतलब बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन की बात कर रहा है। ओके, तो यहां पर को अगर आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा डेल्टा s की वैल्यू में, यानी कि चेंज इन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ये वाला जो ट्रांजिशन है वो आपका अलाउड है। समझ में आ रहा है, डेल्टा s मतलब आपको समझ में आ रहा है, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, एस मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिसिटी। तो चेंज कब आएगा मल्टीप्लिसिटी में, जब आपका बिफोर ट्रांजिशन जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो आफ्टर ट्रांजिशन बदल जाए, तो बदलेगी तो वो ट्रांजिशन हमारा अलाउड नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, फॉरबिडन। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, हमने क्या बोला कि अगर आपने ट्रांजिशन कराया और ट्रांजिशन के बाद आपने ये चेक किया कि बिफोर ट्रांजिशन जो आपकी एस की वैल्यू थी, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, वो एज इट इज है आफ्टर ट्रांजिशन, इट मींस वो ट्रांजिशन आपका अलाउड होगा। ओके, लेकिन बिफोर ट्रांजिशन जो आपकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो चेंज हो जाए आफ्टर ट्रांजिशन, तो वो ट्रांजिशन को आप क्या बोलेंगे, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। कितना इजी था, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताऊं तो पहले ये देखो, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू अ स्पिन सिलेक्शन रूल दोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन
इन अ कॉम्प्लेक्स विच डज नॉट इन्वॉल्व इन अ चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू, यानी कि आपने ट्रांजिशन कराया पर ट्रांजिशन के बाद और ट्रांजिशन के पहले क्या आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यानी कि चेंज इन एम एस में क्या कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन तो आप बोलेंगे आपका ट्रांजिशन क्या है अलाउड है, लेकिन अगर आपको चेंजेस देखने को मिले तो आप उसे बोलेंगे आपका ट्रांजिशन क्या है फॉरबिडन है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि अलाउड ट्रांजिशन के लिए, फॉर अलाउड ट्रांजिशन डेल्टा एस चेंज इन एस क्या है जीरो, कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा मतलब देखो आपने बिफोर ट्रांजिशन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सपोज आपकी 5 निकली और आफ्टर ट्रांजिशन भी आपकी 5 ही मिली, किसकी वैल्यू एस की वैल्यू, एस की वैल्यू 5 बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन, इट मींस बिफोर भी 5 थी आफ्टर भी 5 है, इट मींस यहां पर कोई चेंज कोई देखने को मिला नहीं मिला। तो यहां पर को आपको एस की वैल्यू, चेंज इन एस की वैल्यू आपको क्या मिलेगी जीरो। तो ऐसे ट्रांजिशन को आप क्या बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन अगर बिफोर ट्रांजिशन आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 5 थी बट आफ्टर ट्रांजिशन वो 4 हो गई या फिर उससे ज्यादा हो गई, 6 हो गई, कुछ भी हो गई, चेंज आ गया, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जब आप डेल्टा एस निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी क्योंकि बिफोर ट्रांजिशन 5 थी आफ्टर ट्रांजिशन 4 हो गई। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एस की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। तो ऐसे ट्रांजिशन को आप क्या बोलेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। समझ में आया, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। देखिए हमने एग्जांपल किसका लिया हुआ है, निकिल का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ठीक है, निकिल का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, सीरियस कर देती हूँ, निकिल का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है जो कि एक टाइप का ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप साफ साफ देख सकते हैं। पहले आप ये चीजें नोटिस कीजिएगा, ठीक है, आपको कोई कॉम्प्लेक्स देता है तो पहले आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है ऑक्टोहेड्रल है, साथ ही साथ आपके कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंट है वो आपका वाटर है, वाटर क्या होता है वाटर एक वीक लिगेंट होता है। तो आपने बस ये दो चीज पहले नोटिस करनी है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे अपने निकिल यानी कि आपका जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल निकिल, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे, जैसे आप सीएफटी में करते थे तो आपने निकिल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाला, आपको मिला वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ओके, तो आपको मिला 3d8 4s2, ओके। बट हमने क्या देखा कि निकिल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो देखो वाटर तो आपका न्यूट्रल है इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, तो हमको क्या देखने को मिलेगा निकिल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जितना आपका चार्ज होगा, तो +2 आपका चार्ज है तो निकिल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 मिली। इट मींस ये इस कॉम्प्लेक्स में जो मेरा निकिल है वो निकिल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है निकिल 2 पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। निकिल 2 पॉजिटिव मींस कि इस निकिल ने अपने ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसे एलिमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से इस निकिल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसने अपने ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट किया, इट मींस क्या होगा आपने इस पूरे कॉन्फिगरेशन से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना बनेगा क्योंकि ये जो कॉन्फिगरेशन है वो है आपका निकिल का। अब आपने इसे निकिल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, इट मींस पहले आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब आपका निकिल 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, जो आपका हायर लेवल होगा उससे निकलेंगे, तो 3d8 आपका लोअर हो गया क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू कम है, 4s के लिए n की वैल्यू ज्यादा है, तो ये तो हायर एनर्जी लेवल हुआ ये लोअर हुआ, तो हायर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो आपका 4s2 गया, सिर्फ बचा आपका 3d8। तो देखो निकिल 2 पॉजिटिव के लिए जो कॉन्फिगरेशन है आपका वो है आपका 3d8, ओके। अब आपने इस 3d8 का स्प्लिटिंग वगैरह करानी है, ट्रांजिशन कराना है, तो आपने देखो यहां पर लिखा निकिल का 3d8 और यहां पर आपने बोला कि निकिल का 3d8 था और इस निकिल 3d8 के साथ जैसे ही आपने वाटर को एज अ लिगेंड यहां अप्रोच कराया, जैसे आप कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने लगे तो वाटर से अप्रोच कराया, तो वाटर एक लिगेंड है और आपको पता है लिगेंड क्या कराता है आपके डी शेल की, ये जो आपका डी ऑर्बिटल होगा जिसमें ये 5 के 5 ऑर्बिट जो है वो डिजनरेटेड थे, सबकी एनर्जी इक्वल थी, बट जैसे यहाँ पर आपके लिगेंड ने अप्रोच किया, चाहे वो वीक लिगेंड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जैसे ही अप्रोच करते हैं तो आपके कॉम्प्लेक्स को क्या है स्प्लिट कर देते हैं 2 सेट में। अब ये सेट में कैसे टूटेगा वो डिपेंड करता है आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो देखो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है ऑक्टाहेड्रल, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के केस में कॉम्प्लेक्स यानी कि डी शेल आपका कैसे टूटता है, ऊपर वाले सेट को आप बोलते हैं ईजी सेट, नीचे वाले सेट को आप बोलते हैं टी2जी सेट, लेकिन अगर ये किसके लिए होता है टेट्राहेड्रल के लिए होता तो आप ऊपर वाले सेट को बोलते हैं टी2 और नीचे वाले सेट को बोलते हैं ई। इतनी चीज समझ में आई, तो अब हमने ये काम करना है कि पहले मैं बोलूंगी कि ये मेरा जो सेट है ये मेरा कौन सा सेट है ईजी सेट है और नीचे वाला जो सेट है वो कौन सा सेट है मेरा टी2जी सेट है। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या करूंगी इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगी। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, तो देखो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन फिल थे, ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल थे। अब मैंने यहाँ स्प्लिटिंग कराई है तो अगेन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी कैसे, देखो 1 2
ठीक। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मैंने आपको क्या समझाया था, फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कि आपके लिगेंड कैसे टाइप के हैं। तो देखो लिगेंड ने आपकी स्प्लिटिंग कराई, लेकिन लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग कराएगी, कितने लेवल की स्प्लिटिंग कराएगा, वो डिपेंड करता है लिगेंड किस टाइप के हैं। हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जैसे आपके साइनाइड वगैरह हो गए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो स्प्लिटिंग क्या है, बहुत एक बड़े लेवल पर कराते हैं। मतलब एक ऑर्बिट, मतलब एक सेट आपका यहाँ होगा, दूसरा सेट बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में होगा, ओके। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं वीक लिगेंड लूं, जैसे वाटर हमारा एक वीक लिगेंड है, तो वाटर मैंने एज अ लिगेंड लिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग क्या है, छोटे लेवल पे, वे छोटे लेवल पर हुई, ओके। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पर स्प्लिटिंग बड़े लेवल पर हुई, तो मुझे जब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, जैसे मैंने तीन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल कर दिया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो मैं क्या ऊपर जाऊंगी, यही करूंगी, ऑब्वियसली बात है यही करूंगी। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला लेवल है वो मुझसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है। जैसे मैं आपको बार बार फ्लोर का एग्जाम्पल देती हूँ, एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इट मीन्स आप डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकते, तो आपने क्या करना होगा, यहीं पर को पेयरिंग करानी होगी दोबारा से। इतनी चीज समझ में आई? अब जब यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तब आप उसको ऊपर जा लेंगे, अदरवाइज आपको यही पेयरिंग करानी होगी। और इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या है, पेयरिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी ऐड करते हैं, वीक के केस में नहीं करते। क्यों? क्योंकि वीक के केस में अगर मैंने तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल भी दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास चांस है कहीं डालने का, तो मैं ऑब्वियसली बात है ऊपर डालूंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले केस में क्या, ये और ये इन दोनों के बीच में, ये वाले फ्लोर और ये वाले फ्लोर, ये वाले सेट और ये वाले सेट के बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या आसानी से ऊपर जा सकता है, ओके। तो वही चीज आपने यहाँ पे देखनी है कि आपने तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए, अब आपको चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करना है, डिपेंड करता है आपके लिगेंड कैसा है, लिगेंड है आपका वीक, तो यहाँ स्प्लिटिंग एक छोटे लेवल पे हुई है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज है, तो तीन इलेक्ट्रॉन डाले, चौथा ऊपर, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सेवंथ यहाँ पे, एट्थ यहाँ पे, इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर आपने अपने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, ओके। अब आप क्या करते हैं, पहले आप अभी यहाँ पर आपने कोई ट्रांजिशन नहीं किया, आपने जस्ट यहाँ पर स्प्लिटिंग कराई है, बात खत्म, ओके। अब होगा आपका ट्रांजिशन जब आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, ओके। बट हमने यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला था, आपका बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए। तो पहले हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकाल दें, तो कैसे वैल्यू निकलती है, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, एक मिनट रुकिएगा, हमने बोला था कि जो आपकी s की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है n प्लस 1 के इक्वल, ओके। और n मींस क्या हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए इस स्प्लिटिंग में कितने नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप n की प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 प्लस 1, तो देखिए s की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लिसिटी आपकी कितनी आई, 3, यानी कि यहाँ पे जो मल्टी मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है, ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी है, ओके। अब हमने चेक करना है आफ्टर ट्रांजिशन, बिफोर ट्रांजिशन तो 3 थी, लेकिन आफ्टर ट्रांजिशन भी क्या 3 ही है, अगर 3 ही होगी तो हम बोलेंगे हमारा ट्रांजिशन अलाउड है, अदरवाइज ये ट्रांजिशन को हम फॉरबिडन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर को क्या होगा, देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे कि हमने क्या है अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, जो निकल का ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, ओके। रेडिएशन कितनी डालते हैं, जितना यहाँ पर एनर्जी गैप होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी ही तो एनर्जी चाहिए आपके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए, तो आपने जितनी एनर्जी दी उसे हम डेल्टा बोल रहे हैं, तो आपने यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो डाली वो डेल्टा एनर्जी की डाली, ठीक है। तो डेल्टा आपने रेडिएशन बाहर से डाली, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था इसकी एनर्जी बढ़ गई, और ये एनर्जी बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है अब ये ग्राउंड स्टेट में रहना तो पसंद करेगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, कम, ओके। क्योंकि एनर्जी प्रोफाइल ही तो डायग्राम है ना, यहाँ पर आपको एनर्जी रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम है, ये एक्साइट होके ऊपर जाना चाहेगा, तो क्या करेंगे आप कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि यहीं से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहीं से जाएगा, यहीं से जाएगा, किसी से भी ले लीजिए। सपोज मैंने क्या किया, इनको एज इट इज फिल किया, यहाँ से इस वाले ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को उठाया और ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब ऊपर भी ये कहीं भी जा सकता है, आप चाहे तो यहाँ डबल कर दीजिए, आप चाहे तो यहाँ डबल कर दीजिए, तो चलो मैंने इसको डबल कर दिया, इसको एज इट इज रहने दिया, ओके। तो यहाँ पर हो गया ट्रांजिशन, आपने बस इतना ही तो काम दिखाया कि आपने ग्राउंड स्टेट से अपने इलेक्ट्रॉन को उठाया और एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया, बता दीजिए हो गया ना ट्रांजिशन, आपका एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में था वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसके लिए भी अब आपने ट्रांजिशन करा दिया, तो आफ्टर ट्रांजिशन भी आपने s की वैल्यू को निकालना है, तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने बोला n प्लस 1, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बताइए अब कितने नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड यहाँ है, एक अनपेयर्ड यहाँ है, इट मीन अगेन आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, तो s की वैल्यू कितनी हुई, 3, यानी कि आफ्टर ट्रांजिशन एंड बिफोर ट्रांजिशन आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो सेम है, पहले भी आपकी 3 थी, आफ्टर ट्रांजिशन भी 3 है, इट मीन यहाँ पर को जो चेंज आए, अगर मेरे को चेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगी, देखो अगर मैं इसे क्या बोलू,
ये है आपका, इसे मैं एस क्या बोलो, S1 बोल देती हूँ, S2। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखना है तो मैं क्या करूंगी, S2 - S1, तभी तो मेरा डेल्टा एस आएगा। तो बिफोर कितना, पहले ये कितना है आपका S2 कितना है 3, ये भी कितना है 3, तो मेरा कितना आया 0 आया, तो डेल्टा एस की वैल्यू मेरी कितनी आई 0। तो हमने क्या बोला, जब आपका डेल्टा एस यानी कि चेंज इन मल्टीप्लिसिटी 0 के इक्वल होगा, उस केस में क्या होगा, ट्रांजिशन आपका अलाउड। तो बता दीजिए यहाँ पर आपका ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है, इस ट्रांजिशन को आप अलाउड बोल सकते हैं। ये किसने प्रूव किया था, ये किस रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल, जिसे आप मल्टीप्लिसिटी रूल भी बोलते हैं। कितना इजी था। अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको शो कराती हूँ, आप जस्ट यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब हम Mn यानी कि मैग्नीज का एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर अगेन आपका वाटर एज अ लिगेंड है, तो मैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर लिख देती हूँ। वाटर आपका लिगेंड है, वाटर एक टाइप का वीक लिगेंड है, ओके। और इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 रहती है, न्यूट्रल हुआ। दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है, तो आपने ये ही चीजों को अपने माइंड पर रखते हुए चलना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, Mn के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Mn के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d5 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो Mn के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d5 4s2। अब आपको क्या Mn देखना है, यहाँ आपका Mn प्रेजेंट है या फिर Mn के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो वही चीज, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके लिए पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। ओवरऑल +2 पॉजिटिव चार्ज है, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2, ओके। अब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इट मींस क्या हुआ कि हमारे पास जो Mn यहाँ पर को प्रेजेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि Mn में से जब आप क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, दो इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल जाएंगे, प्लस नहीं माइनस करती हूँ, Mn से क्या आपने दो इलेक्ट्रॉन को जब आप निकाला तो आपने क्या बनाया, Mn2 पॉजिटिव। तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, जो आपके बाहर प्रेजेंट होगा, तो किससे कौन है बाहर प्रेजेंट, S है। तो आपने क्या किया, S से दो इलेक्ट्रॉन निकाले, बचे हुए क्या 3d5। तो आपको ये तो चीज तो पहले ही मालूम है ना कि जब भी आप क्या किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वहां पे जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल होता है, इसके लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके डी शेल में ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम डी को यहाँ पे बार बार लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से अपना डी शेल उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया 3d5। अब इस 3d5 में क्या है, पहले जो ऑर्बिट थे वो पहले क्या थे, डिजनरेटेड थे, सबकी एनर्जी बराबर थी, ओके। लेकिन जैसे ही वाटर ने अप्रोच किया, क्योंकि वाटर एक लिगेंड है, इसने क्या करा दिया, यहाँ पर आपकी स्प्लिटिंग करा दी। अब स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्यों हो रही है, ये सारी चीजें हम CFT में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ वो चीज डिस्कस नहीं करनी है, ओके। तो आपने यहाँ स्प्लिटिंग करा दी, और स्प्लिटिंग कैसे होगी, यहाँ आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले सेट को आप बोलेंगे EG सेट और नीचे वाले सेट को बोलेंगे T2G सेट। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब फोर्थ कहाँ जाएगा, फोर्थ ऑब्वियसली बात है ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग बहुत छोटी हुई है, तो आपके इन दोनों लेवल्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आपने 3 यहाँ डाले, 4th यहाँ डाला, 5th यहाँ ऐड कर दिया, ओके। इतना हुआ। अब आप क्या करेंगे, देखिए इतना कर दिया, अब आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, अब यहाँ आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालिए, जो कि कैसे निकलती है, S=n+1, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 5, तो S=2 क्या हुआ, 5+1=2 क्या हुआ, 6, यानी कि S की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आपकी 6 है, ओके। अब बिफोर ट्रांजिशन देख लिया, आफ्टर ट्रांजिशन देख लेते हैं। तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी, कितनी अमाउंट की, आपकी जितनी यहाँ पर एनर्जी की डिस्टेंस है, यहाँ पर दो सेट के बीच में जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उतनी एनर्जी आपको चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में भेजने के लिए। तो सपोज आपने दे दी वो एनर्जी, आप जस्ट बोलिएगा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी, कितने अमाउंट की, डेल्टा अमाउंट की, और यहाँ पर क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट था आपने उसे एक्साइट कर दिया। कोई भी इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं रहता कि आप यही उठाएंगे या यही उठाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो सपोज आपने इस इलेक्ट्रॉन को उठाया और ऊपर भेज दिया, तो ऊपर पहले 2 थे, अब एक और ऐड हुआ, तो चाहे यहां हो कहीं भी आप ऐड कर दीजिए, मैंने यहां कर दिया, ओके। अब क्या हुआ, अब देखो अगेन आप क्या दिखाएंगे, यहां पर आप बोलेंगे कि हमने यहां ट्रांजिशन कराया, और अगर हम लोग यहां पर S की वैल्यू मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो N+1 का फॉर्मूला यूज कराएंगे, और N क्या होता है, N होता है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3, 3+1=4 क्या हुआ, तो S=2 क्या हुआ, 4। तो देखिए बिफोर ट्रांजिशन और आफ्टर ट्रांजिशन में डिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं बोलूं ये S1 है, ये S2 है, तो अगर मुझे डेल्टा S निकालना है तो क्या करूंगी, S2 - S1, तो देखो मेरी वैल्यू क्या, डेल्टा S=0 आ रहा है, नहीं, क्योंकि एक आपका 4 है, एक है आपका 6, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू -2 में आ रही है, तो डेल्टा S की वैल्यू आपकी क्या है, 0 नहीं आ रही। इट मीन डेल्टा S जब आपका 0 नहीं होता है तो ट्रांजिशन आपका क्या होता है, फॉरबिडन। तो ये ट्रांजिशन अकर तो करेगा, बट इस ट्रांजिशन की वजह से जो आपको पीक्स देखने को मिलेगी कुछ ऐसी, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ की, ये पीक आपको कुछ ऐसी सी मिलेगी, कुछ शार्प पीक आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम इस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो पहला सिलेक्शन रूल समझ में आया, पहला सिलेक्शन रूल को बोलते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल या फिर मल्टीप्लिसिटी रूल, क्योंकि यहाँ पर जो हम
स्पिन का सिलेक्शन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला भी बहुत इजी है, n प्लस वन और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चीजें क्लियर आई। तो ये पहला सिलेक्शन रूल है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिलेक्शन रूल पे। नेक्स्ट सिलेक्शन रूल क्या है? दूसरा सिलेक्शन रूल है आपका सिमेट्री सिलेक्शन रूल, ओके। अब सिमेट्री सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? बहुत ईजी है। सिमेट्री सिलेक्शन रूल बोलता है कि वो ही ट्रांजिशन आपके अलाउड होंगे जहां पर आपकी क्या होगी, सिमेट्री मैच नहीं कर रही होगी। सिमेट्री सिलेक्शन रूल में आपको सिमेट्री मैच नहीं करानी, मतलब अगर आपका ट्रांजिशन जी रेट से अनजी रेट हो रहा है या अनजी रेट से जी रेट हो रहा है तो आपका ट्रांजिशन अलाउड होगा, लेकिन अगर आपका ट्रांजिशन सेम सिमेट्री में हो रहा है, जी रेट से जी रेट, अनजी रेट से जी रेट, तो ये ट्रांजिशन आपका फॉरबिडन होगा। तो आपने जस्ट ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपका ग्राउंड लेवल जी रेट वाला है तो एक्साइटेड लेवल आपका अनजी रेट ही होना चाहिए, अगर ग्राउंड लेवल अनजी रेट है तो एक्साइटेड लेवल जी रेट ही होना चाहिए। तो अगर ऐसे ट्रांजिशन होगा तो इन ट्रांजिशन को हम अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे और इनके लिए जो पीक आएगी वो अगेन शार्प पीक आएगी। लेकिन अगर हमारा क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट भी जी रेट है और एक्साइटेड स्टेट भी जी रेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन क्या होगा, आपका अलाउड नहीं कंसिडर किया जाएगा, इस ट्रांजिशन को हम फॉरबिडन बोलते हैं। और सिमिलरली अगर हमने क्या किया, अनजीरेट से अनजीरेट गए तो भी हमारा क्या है, सेम सिमेट्री में जा रहे हैं, यू से यू, जी से जी, तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिशन हमारा क्या हुआ, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। और इस ट्रांजिशन के लिए पीक तो मिलेगी बट एक शार्प पीक आपको देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आया? बस इतना था आपका सिमेट्री सिलेक्शन रूल, इतनी चीज क्लियर आई, अब बस इतना सही है, ओके। अब लास्ट है यह हमारा लेपर्ड सिलेक्शन रूल, जिसे हम क्या है, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी बहुत ईजी है। ये क्या बोलता है, देखो ये बात करता है आपके किसकी, ऑर्बिटल एंगुलर या फिर आप बोल सकते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर आप बोल सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके। तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर को तो जानते हैं, जिसे आप बोलते हैं एल, ओके। तो ये बोलता है कि अगर आपने ट्रांजिशन कराया और ट्रांजिशन के टाइम पर अगर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या है, कोई भी चेंज नहीं आया, डेल्टा मतलब सॉरी चेंज आया मतलब डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका ग्राउंड स्टेट में जो एल के लिए वैल्यू आई है और एक्साइटेड स्टेट में जो एल के लिए वैल्यू आई है, अगर आप इसने डेल्टा एल निकाला तो इनकी वैल्यू अगर मैच नहीं कर रही, दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में जो आपका ट्रांजिशन होगा वो होगा आपका अलाउड ट्रांजिशन, ओके। लेकिन अगर आपने क्या किया, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे गए, ग्राउंड से आपने एक्साइटेड लेवल पे गए और दोनों के लिए जो आपने एल की वैल्यू निकाली, सपोज इसके लिए भी एल की वैल्यू 1 आ रही है, इसके लिए भी एल की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसे ट्रांजिशन जिसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू जीरो हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे ट्रांजिशन को आप क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिशन बन जाता है आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है कि आपकी वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। देखो लेपर्ड वाला सिलेक्शन रूल भी आपको ये बोलता है कि डेल्टा एल की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज आपको मिलना ही चाहिए। सिमेट्री सिलेक्शन रूल भी ये बोल रहा है कि आपने बिल्कुल सेम काम नहीं करना है, कुछ ना कुछ चेंज मिलना ही चाहिए। लेकिन स्पिन सिलेक्शन रूल आपका उल्टा है, ये बोलता है कि आपको कोई भी चेंज नहीं मिलना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के केस में इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जब आपका चेंज नहीं आएगा तब आपका सिलेक्शन रूल अलाउड कहा जाएगा, यानी कि सॉरी जब आपका ट्रांजिशन अलाउड कहा जाएगा। समझ में आया ये वाला? समझे ना हमने क्या बोला? देखो लेपर्ड या फिर ऑर्बिटल फॉरबिडन सिलेक्शन रूल आपको ये बताता है कि अगर आपने कोई ट्रांजिशन कराया और ट्रांजिशन के टाइम पर जब आप ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे गए, तो ग्राउंड लेवल पर सपोज एल की वैल्यू आपने रखी 3 और आफ्टर मतलब ट्रांजिशन होने के बाद आपको अगेन एल की वैल्यू आपको क्या मिली, अगेन 3 मिली, तो देखो डेल्टा एल यहाँ भी आपको डेल्टा एल की वैल्यू क्या मिली, 0, क्योंकि 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो जो चेंज आया है एंगुलर क्वांटम नंबर में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में, वो 0 के इक्वल है, कोई भी चेंज नहीं आया, इट मींस ये ट्रांजिशन आपको फॉरबिडन कंसिडर करना होगा। लेकिन अगर यहीं पर को क्या हमने डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 बोला, तो ये ट्रांजिशन आपका क्या होगा, अलाउड होगा। बस इतनी सी तो बात थी, यही होता है आपका लेपर्ड या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्बिटल फॉरबिडन सिलेक्शन रूल। इतनी चीज क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड सिलेक्शन रूल हो गया, ओके। तो ये आपको मैं थ्योरी मटेरियल शेयर कर दूंगी, अभी हमने इतना चीज यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो समझे, ये होता है आपका सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।